जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज की वीडियो उन भाइयों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है जो भाई आर्मी की तैयारी करते हैं और अपना इंडोरेंस डेवलप करना चाहते हैं। एक अच्छी परफॉर्मेंस लाने के लिए आज का वर्कआउट आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और इस वीडियो के माध्यम से जो हमारा सैटरडे का वर्कआउट है वो होता है 1600 मीटर की नॉर्मली टाइमिंग होती है और साथ में स्टेयर वर्कआउट होता है। 1600 मीटर की टाइमिंग क्यों ऐड करते हैं हम इसमें, मतलब वर्कआउट शेड्यूल में, इसका क्या बेनिफिट है आपको बता दूं। मतलब जब भी हम 1600 मीटर की टाइमिंग लेते हैं तो बच्चे अधिकतर मतलब कि माइंड पर ले लेते हैं बर्डन को कि, और उनके अंदर एक डर सा पैदा हो जाता है कि हमारे 1600 मीटर की टाइमिंग है तो उससे थोड़ा अपना मतलब कि बेस्ट नहीं दे पाते वो टाइमिंग। तो उसी को दूर करने के लिए हमने 1600 मीटर की टाइमिंग, नॉर्मल टाइमिंग इसमें ऐड कर रखी है। जैसे कि ऑफ सीज़न चलेगा तो उसमें हम क्या करेंगे, 6 मिनट से स्टार्ट होंगे और 6 मिनट में मतलब स्टार्टिंग में 6 मिनट से फिर अगले नेक्स्ट सैटरडे को हम फिर 5 सेकेंड इसमें कम कर देंगे। तो कंटिन्यू ऐसे कम करते हुए हम 5:30 के करीब पहुँच जाएँगे। जब हम 5:30 के करीब पहुँच जाएँगे तो वहाँ पर हम होल्ड रखेंगे, 2 वीक इसमें होल्ड रखेंगे। उसके बाद हम अगर उसमें घटाना चाहे तो आप घटा सकते हो, मतलब ग्रुप के हिसाब से। अगर आप मतलब कि मिड सीज़न में हो तो मिड सीज़न में उसको ज़रूर कंटिन्यू उसको कम करें, 5:20 के करीब लेकर जाएं और या 5:10 के करीब लेकर जाएं। फिर उसके बाद जो ज़्यादा ज़रूरी है वो है आपका बॉडी एक्शन, यानी कि रनिंग का जो एक्शन है वो उसको कैसे मतलब सुधारें। तो सुधारने के लिए सबसे ज़रूरी है हमारी कोर, जो कोर मजबूत होनी चाहिए और स्ट्रेंथ वर्क होना चाहिए और जो हमारी ABC ड्रिल्स होती हैं उनका अपनी जो डेली शेड्यूल है उसमें ज़रूर ऐड करें ताकि अपने रनिंग को अच्छे लेवल पर लेकर जाने के लिए आपके काम आ सके ये चीज़ें। हमेशा एक बात ये ध्यान में रखें, जब भी आप रनिंग दौड़ते हैं यानी दौड़ने से कभी भी टाइमिंग कम नहीं होती, टाइमिंग हमेशा कम होती है। आपकी जो ड्रिल्स वगैरह आप करते हैं, कोर की एक्सरसाइज करते हैं, योगा वगैरह करते हैं, उनसे ज़्यादा जल्दी कम होता है टाइम। तो हमेशा ये ध्यान में रखें, उनको इग्नोर ना करें। हमेशा दौड़ने से ही रनिंग अच्छी नहीं होती, तो हमेशा हर चीज़ को कम्बिनेशन लेकर चलना होता है। और आज की वीडियो में बस मैं यही बताना चाहता था कि आज का हमारा जो शेड्यूल है वो किस तरह से हम करवाते हैं और आप भी उसको अपने डेली शेड्यूल में आप ऐड कर सकते हैं ताकि भरपूर फ़ायदा आप उसको उठा सको। और अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की नॉलेज चाहिए, मतलब कि कोई जानकारी चाहिए तो हमारे इस कमेंट में मेंशन कर सकते हैं ताकि हम आपके हर कमेंट का जवाब एक वीडियो के माध्यम से दे सकें। तो आप इस वीडियो को एंजॉय करें, धन्यवाद, बाय बाय।